नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं बोनलेस चिकन एक पाव छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई, चावल आधा किलो, हरी प्याज 2 अदद जूलियन कटी हुई, बंद गोभी 1 कप जूलियन कटी हुई, गाजर 1 अदद जूलियन कटी हुई, शिमला मिर्च 1 अदद जूलियन कटी हुई, मटर 1 पाव, अंडे 4 अदद, नमक 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 पाव, लहसुन 2 से 3 जवे बारीक कटे हुए, चिली सॉस 6 टेबलस्पून, सोया सॉस 6 टेबलस्पून, वेनेगर 3 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, मायोनीज 1 टेबलस्पून। तरकीब, सबसे पहले आप एक पतीली लें और उसमें 1 कप ऑयल डालकर गरम करने रख दें। इतनी देर में आप जर्दे का रंग अंडों में डालकर उसे अच्छे से फेंट लें और अंडों को ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लें और इसे एक प्लेट में निकालकर एक साइड पर रख दें। अब इसी पतीली में आप तमाम सब्जियां डालकर 2 मिनट तक फ्राई करें। 2 मिनट बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वेनेगर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर लें और फिर इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे भी साइड पर रख दें। अब इसी पतीली में 1/2 कप ऑयल मजीद डालें और लहसुन डालकर कड़कड़ा लें। फिर इसमें चिकन डालें और 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून वेनेगर, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए इसे ढककर पकने दें। 10 मिनट बाद इसे भी उतारकर एक साइड पर रख दें। अब आप एक और बड़ी पतीली लें और उसमें तकरीबन इतना पानी डालें कि पानी चावलों से 1 इंच ऊपर हो। अब आप इसमें चावल डालें, 1/2 कप ऑयल डालें, 1 टेबलस्पून नमक डालें, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वेनेगर डालकर इसे पकने दें। जैसे ही चावलों में बबल्स आने लगे तो आप एक बार उसमें चम्मच चला दें। जब चावलों का पानी खुश्क होने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। अब आप पतीली के आधे चावल किसी थाल या बाउल में निकाल लें। फिर पतीली के अंदर मौजूद चावल में आप सबसे पहले चिकन डालें, उसके बाद आप अंडा डालें और अंडा डालने के बाद आप इसमें सब्जियां डालकर इसे फैला दें और जो चावल आपने अलग किए हुए थे वो इसमें डालें और पतीली को चूल्हे पे रखें, आंच को तेज करें और ढक्कन ढक दें। 1 मिनट बाद आंच दम पर कर दें और 15 मिनट के लिए चावलों को दम पर छोड़ दें। 15 मिनट बाद आप चूल्हा बंद कर दें। मजेदार फ्राइड राइस तैयार है। अब आप इसे प्लेट या ट्रे में निकाल कर सर्व करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।